फ्रेंड्स, सारा कुकोस में मैं शबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले इंस्टेंट सूजी के अप्पे बनाएंगे। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हो, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ओ ए देखिए, इस सूजी के इंस्टेंट अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप जितना रेगुलर सूजी ली है, जो हम उपमा बनाने में यूज करते हैं, जिसे बॉम्बे रवा भी कहा जाता है। ये ली है 3 कप जितना, और अभी मैं इसमें 1.5 कप जितना दही डाल रही हूँ। ये 1 कप और ये 1/2 कप, मतलब टोटल 1.5 कप दही डाल दिया है मैंने इसमें। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पानी भी डाल देंगे। तो इसे भिगोने के लिए मैंने इसमें 1 कप जितना पानी लिया था, वो पूरा डाल दिया है अभी मैंने। अभी हम इसे ऐसे ही भीगने के लिए 1/2 घंटे से लेकर 1 घंटे तक छोड़ देंगे, और उसके बाद हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। ये जब तक हमारी सूजी सोक हो रही है, तब तक हम उसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने छोटे से तड़का पैन में 2 टीस्पून जितना तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ा गरम होने देंगे। तेल अच्छा गरम हो चुका है। अभी मैं इसमें 1 टीस्पून राई डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून जीरा भी डाल दूंगी, 3 हरी मिर्चें ली है बारीक कट करके, और ये थोड़े से कड़ी पत्ते भी डाल देती हूँ। और अभी मैं इसमें 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कट करके ली है मैंने, ये भी इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीजों को। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अभी हम ये प्याज को अच्छे से पकने देंगे 1-2 मिनट के लिए। ये प्याज को मैंने अच्छे से पका लिया है 1-2 मिनट के लिए। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ, और अभी हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे सूजी में ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये बैटर को मैंने पिछले 1.5-1/2 घंटे से भीगने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हो सूजी अच्छे से फूल गई है, और ये बैटर काफ़ी थिक हो गया है। अभी मैं इसमें पहला ये पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेती हूँ। इडली के बैटर जैसी कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। तो ये देखिए, ये बैटर हमारा परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है। वापस से मैंने इसमें से 3/4 कप पानी इसमें डाल दिया है, तब जाकर ये बैटर हमारा परफेक्ट हो गया है। अब देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक लिया है मैंने, ये इसमें डाल देती हूँ। और जो हमने तड़का बनाकर रखा था, ये भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, ये भी इसमें डाल दूंगी। ये पूरा मिक्सचर डाल दिया है मैंने इसमें। अभी मैं इसमें ये हरा धनिया भी डाल देती हूँ। अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीजों को। इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें ये इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है मैंने, 1/2 टीस्पून लिया है। अगर आप एक ही टाइम पर ये सारे अप्पे बना रहे हो, तो ये पूरा इनो सॉल्ट आप इसमें डाल सकते हो, पर अभी मैं ये पूरा बैटर नहीं यूज करने वाली, तो मैं इसमें से सिर्फ 2 चम्मच इसमें निकाल लेती हूँ। ये कड़ी पत्ता हटाना रह गया था मेरा, इसे भी मैं हटा लूंगी इसमें से। यहाँ पर मैंने इस बैटर में से 1/3 जितना बैटर अलग से निकाल लिया है। अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर दूसरे साइड में अप्पे पैन में थोड़ा सा तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डाल दूंगी। अच्छे से मिला लेंगे इसे भी। यहाँ पर मैंने एक दूसरी तरफ अप्पे पैन गरम होने के लिए तैयार रखा था। ये बैटर अभी हम इसमें फटाफट से डाल देंगे। पहले हम साइड में से डालेंगे बैटर।
बीच में हीट लगती रहती है, तो सेंटर में हम लास्ट में डालेंगे। ये सारे इसमें बैटर मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसे ढक कर पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक ये अप पे अच्छे से फूल जाएंगे और नीचे से इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। शुरुआत में फ्लेम को हम लो रखेंगे, उसके बाद हम फ्लेम बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद ये अप पे अच्छे से फूल गए हैं, आप देख सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये तेल डाल दूंगी, क्योंकि अभी हम इसे पलटने वाले हैं, तो हमें और थोड़ा तेल चाहिए दूसरे साइड से सिकने के लिए। तो और थोड़ा तेल डाल रही हूं मैं। अभी हम इन्हें पलट लेंगे। वाव, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। पहले हम सेंटर में से पलटेंगे, क्योंकि हीट यहीं पर ज्यादा होती है और साइड में थोड़ी कम होती है। अभी हम इसे वापस ढक कर वापस 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। शुरुआत में लो फ्लेम पर और फिर से हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 2-3 मिनट हो चुके हैं, अभी हम इसे खोल के चेक करेंगे। वाह, ये देखिए दूसरे साइड से भी अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। इसे मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश ली है। तो ये हमारे इंस्टेंट सूजी के अप्पे बनकर तैयार है। इसे मैंने उसी पीनट की चटनी का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उसके साथ सर्व किया है मैंने। तो ये तैयार है। तो हमारे ये इंस्टेंट सूजी के अप्पे बनके तैयार है। तो आप भी इसे जरूर बनाइए। तो आप भी इसे जरूर बनाए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आज आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और ज्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarahcookhouse.com। अभी आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुक हाउस के नाम से पेज बनाया है, तो उसे भी प्लीज लाइक कर दीजिए। और अभी आप हफ्ते में 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 रेसिपीज देख सकेंगे। तो अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।